खुद को खुद से मिला नहीं पाया, खर्च घर का उठा नहीं पाया, जिसको डॉलर घुमाना आता था वो भी सस्ता करा नहीं पाया। इकोनॉमी है नीचे जा रही, तभी तो आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं तो वैसे का वैसा। माशाल्लाह पैंट कोट सुपर लेवल है सर। अच्छा सर, जो मर्जी पालन पर अनलकी बहुत है। अच्छा जी, 5,000 दे नोट जेडी तार नहीं होंदी ओ चो करंट पै गया। बाद लोग होते हैं अनलकी, होते होते अपनी शादी पे 4 दफा घोड़े से गिरे, ऐसे अनलकी हैं। 0 मीटर गाड़ी लेके आए हैं। अच्छा। फिर वो भी धक्का स्टार्ट। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर जनाब डॉक्टर लियाकत अली खान। साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान कराची तशरीफ लाई हुई हैं एक्ट्रेस दानिया अनवर। वेलकम टू द शो जी। आज माशाल्लाह खान साहब तशरीफ लाए हैं, एक तारीखी शख्सियत याद आती है जी। पाकिस्तान की तारीखी शख्सियत थे खान लियाकत अली खान। हाँ, 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 लेकिन हाँ, आज हमारे गेस्ट हैं सिर्फ लियाकत अली खान। MPA हैं, PMLN के सरगोदा से आए हैं। हाँ, और इनके साथ ही जलवागर हैं मोहनी सूरत वाली एक्ट्रेस, नाम है दानिया अनवर। देखिए दोनों मिलजुल कर आज मजाक रात की खादर क्या कुछ लाए हैं। मोहब्बत वाले दिलों में नफरत क्यों बो रहे हैं? बो रहे हैं। हाय, जिनको तैरना आता है वो ही क्यों डुबो रहे हैं? डुबो रहे हैं। आप अंदर के बंदे हैं डॉक्टर साहब, सही बताइएगा ये इलेक्शन कौन सी डेट को हो रहे हैं? हाय जी। दानिया क्या हाल है आपके? आई एम गुड अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक। आप कराची तशरीफ लाई, फ्लाइट ठीक थी आपकी? बिल्कुल। आपके ड्रामों की लिस्ट हम पढ़ रहे थे, बड़ी जबरदस्त किस्म की लिस्ट है। उसके अंदर एक जो ड्रामा खास तौर पे मेरी नजर को बड़ा भाया वो था अधूरी कहानी। सर क्या हाल है नून लीग का? नून लीग बड़ी बेहतरीन तरीके से चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मियां साहब जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। बिल्कुल, उधर ही खड़े हैं जी। नहीं, उधर भी खड़े हैं। और दूसरा एक और बात है, ये भी वक्त ने साबित कर दिया कि मियां नवाज शरीफ के बगैर जो है हमारा मुल्क नहीं चलता। बिल्कुल, ये प्रैक्टिकली प्रूव हो गया। चाबियां लंदन ले गए ना, प्रैक्टिकली प्रूव हो गया। खैर चाबी तो उन्होंने लंदन से भिजवाई है। अच्छा। लेकिन अब वो खुद आना पड़ेगा क्योंकि खाली चाबी से नहीं काम चल रहा। अभी पीछे मैं लंदन गया हुआ था। अच्छा। मियां साहब से मुलाकात हुई है मेरी, और यकीन करें कि बड़ी ऑनेस्ट बात है, उनके दिल में बहुत दर्द है पाकिस्तान का। अजय भी इतना लाज कराया। एक तो ये बच्चे सर बड़े शरारती बच्चे हैं। अच्छा प्लीज। बात ये है कि अभी भी उनको ये जो महंगाई है और गरीब आवाम के लिए बहुत तकलीफ है। ये बड़ी ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ सर। वाकई वैसे इंग्लैंड में तो बहुत महंगाई हो गई हुई है और वहां से जान छूट भी चाहिए। आपको पता है कि वो इंग्लैंड में क्यों है ये भी सारे पाकिस्तान को पता है। चुने जमांदरू अमीर सन जो पाकिस्तान बनिया उदो ही अरबों रुपए बिजनेस सन। पाकिस्तान बनते ही अरबों रुपए का? हाँ जी हाँ जी। उस वक्त पाकिस्तान का भी नहीं था। मतलब बनने के फौरन बाद जो थी इत्तेफाक फाउंड्री उनकी थी। 20 साल वालिद ने देखें जी। ये तो इवन इमरान खान ने भी अपने मुंह से एक्सेप्ट किया कि जी मियां शरीफ ने बड़ी मेहनत की फाइनेंशियली एस्टेब्लिश करने के लिए। और मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि पॉलिटिक्स में अगर बंदा मतलब चल रहा है तो
वो फाइनेंशियली बहुत उसे लूज करना पड़ता है। जब मैंने हॉस्पिटल शुरू किया आई वॉज हार्डली 26 ईयर्स ओल्ड। पहले आपने हॉस्पिटल बनाया जब आप बताया 26 साल के थे और उसके बाद इवेंचुअली आप पॉलिटिक्स में आ गए। हाँ जी, हाँ ये जी। तो बड़ी आपकी इमरान खान वाली तबीयत है। मैं बेसिक पॉलिटिक्स से ऊपर आया हूँ, काउंसलर लेवल से ऊपर आया हूँ। और आज मैं एक बहुत बड़ी बात आपके शो में बता दूँ कि जब मैं पहला इलेक्शन काउंसलर का लड़ा तो मेरा ना बड़ा सीवियर एक्सीडेंट हो गया था। मेरी पिजारो रोल कर गई थी एंड आई वॉज सीवियरली इंजर्ड और लोगों ने मेरे कागज जमा कराए और बेड पे लेटे हुए मैं मतलब बहुत बड़ी लीड से वो इलेक्शन जीता खुदा के फजल से। हाँ जी, एक चौथा साहब मैं आपको ना मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। मुझे मुबारकबाद। हाँ जी, हाँ जी, आपको, आपके सारे लोगों को भी जो सारे मेडिकली, आपको पता है कि ये जो ह्यूमर है ये बहुत बेनिफिशियल है फॉर द पीपल। इवन आपको पता है कि दुनिया में तो लाफ्टर की बाकायदा एक्सरसाइजेज कराई जाती हैं। मैं अक्सर देख रहा होता हूँ आपका प्रोग्राम के लोगों को आप खुश कर रहे होते हैं, हंसा रहे होते हैं, उसके कभी आपने ये भी सोचा है कि मेडिकल बेनिफिट्स कितने हैं? ब्लड प्रेशर को आपके कंट्रोल करता है ये स्माइल, इवन जस्ट अ स्माइल। आप फेक स्माइल भी दें तो आपके हार्ट को फ़ायदा पहुंचता है और मतलब आपका स्ट्रेस ख़त्म होता है और एंग्जाइटी ख़त्म होती है। उसके अलावा इवन एंटी कैंसरस है, कैंसर के इलाज में भी आजकल लाफ्टर एक्सरसाइज कराई जाती है। तो मतलब पूरी दुनिया में आपका प्रोग्राम चलता है और ये कोई बटरिंग नहीं है, ये हकीकत है कि ये जितना आप खुश करते हैं ये बहुत बड़ा नेकी का काम है और अल्लाह ताला आपको खुश रहे, अल्लाह ताला इसकी जजा देगा आपको। अन्या, आप इनकी ऑब्जर्वेशन से एग्री करती हैं? हाँ, अगर जेन्युइन हो। अगर जेन्युइन हो, ओए होए, अब ये डॉक्टर साहब एक बड़ा मसला है ना कि जेन्युइन हो या ना हो। मेरी स्टडी चोई साहब ये है कि इवन जो फेक स्माइल है ना वो भी आपको बेनिफिट देती है। क्योंकि सर जो आप बात कर रहे हैं जो थेरेपीज और इलाज के अंदर भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया, लाफ्टर थेरेपी जिसे कहते हैं, देयर इज टॉक्सिक पॉजिटिविटी आल्सो, मगर वो अब सारी जेन्युइन तो नहीं हो सकती। कई बार आपको शुरू में कोशिश करनी पड़ती है, बड़े-बड़े लोग होते हैं जो कर रहे होते हैं तो वो फेक से भी शायद कुछ निकल आता हो, क्या पता। सर मरीज जो दर्द हो रहा है साडे मोहल्ले च, डॉक्टर तो मरीज नु कह रहे हैं हसो, उन्हें मुक्का मारिया कि देख मेरे दर्द हो रहा है। नहीं, मगर वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि फेक भी अगर हो तब भी आपको इसका एक कोई पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। ये डॉक्टर साहब ताडे वास्ते कह रहे हैं। हां नहीं, वो मेरा बीच में फेक वाला कह रहे थे, वो आपका वो वाला है। और ये मैं आपको बता चलूं डॉक्टर साहब, इसमें मजीद इजाफा कर देता हूँ कि वो जब कहते ना स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं होती, वो जो 22 करोड़ देख रहे हैं उनको नहीं होती, उनको दिखाने के चक्कर में जो मुझे होती है वो मुझे पता है। गेन मैं कहूंगा कि देखें अभी भी आपके चेहरे पे स्माइल है। जी जी सर। और ये आपको फायदा दे रही है। सर मेरी मजबूरी सोचो। तो मैडम ये बताएं कि आप तो पिछले बहुत अरसे से हब्स में मुब्तला हैं। तो कैसा रहा ये आपका एक्सपीरियंस? It was a good experience. अच्छा? Yeah. ज़्यादा अच्छा नहीं था, बस ठीक था। नहीं नहीं, direction, working with Musaddiq, it was his first drama serial. तो you know how अब काफी दफा हमारे I think हमारी audience भी ये सवाल करती है जब actors आते हैं कि you know upcoming directors से या future हम क्या देखते हैं. So since Musaddiq NCA का student है, he is young, so उसके साथ काम करके इसलिए बहुत मज़ा आया कि बहुत सारे directors स्क्रिप्ट के हिसाब से कर रहे होते हैं. मुझे एक नरेशन ऑफ डायरेक्शन और ग्रामर ऑफ डायरेक्शन जो एक यूज़ होती है, वो जो उसने यूज़ की, तो कहीं कहीं मैं शुरू में बहुत इंस्पायर होती हूँ, कॉल करती हूँ लाइक बहुत अच्छा लगा मुझे कि तुम ये चीज़ कर रहे थे और तुम एक्चुअली स्क्रिप्ट का फ्लो अपने कैमरा से लेके चल रहे थे. दैट इज़ समथिंग, दैट वॉज समथिंग आई वॉज रियली वॉन्टिंग टू सी. तो उसके साथ वो काम करके वो चीज़ करके मुझे बड़ा मजा आया. आई एम रियली हैप्पी दैट ही इज़ मुसद्दिक के साथ. डायरेक्शन की तरफ था कोई, एक्टर की तरफ से भी कोई आपको मजा आया काम करके बाकी एक्टर्स के साथ? नहीं, फैसल कृष्णा थी, फिरोज खान पे आई वोंट कमेंट, इट वाज फिरोज खान क्या नहीं मजा नहीं. आप हब्स में काम कर रही हैं, आपका कोई सांस नहीं बंद हुआ? ड्रामे का नाम है. अच्छा, ड्रामे का नाम है. मैं कहा पता नहीं होते हब्स हिंदी है तो ये वो सर. हमने मौसम की नजाकत से किया था, उन दिनों वाकई बहुत हब्स था जब रिलीज होने वाला था. हब्स होगा जब कोई बना होगा, लेकिन वही इसीलिए मैं पूछ रहा. अच्छा, जो ड्रामे का नाम है, मैं तो वैसे तो आप बता रही थी कि हां अच्छा मजा आया, सबा फैसल के साथ आया, उषा शाह के साथ आया. हमारा घर में तो मेनली जो बहनें और अम्मी, हमारा एक बड़ा फीमेल ओरिएंटेड होम था, जहाँ पे खवातीन होती है वहाँ लड़ाइयाँ बड़ी होती हैं ना. हमारे यहाँ नहीं हो रही थी ना, हम खुद ही रोज बैठे हुए सोच भी रहे होते थे यार, ऑल ऑफ अस, कोई फड्डा ही नहीं हो रहा, कोई मेकअप पे भी फड्डा नहीं डाल रहा, कोई कुछ भी. आपके वहाँ पे क्या मर्दों के यहाँ हो रहा था फड्डा? हमारे यहाँ तो ही नहीं. एक दिन रिकॉर्डिंग थे, औरत कोई नहीं सी, तो बंदे कह रहे यार आज लड़न कोई नहीं गया. वो कह रही है उधर उल्टा था भाई, ये जो आपने एक जनरलाइज कॉमेंट बनाया हुआ है ना कि खवातीन को होता है, वो कह रही ये नहीं हो रहा था.
अच्छा, मैंने इस पे कहा कि मर्दों में शायद हो रहा हो क्योंकि मर्द सारे इकट्ठे आपस में, और आपके तो उसमें हैं भी एंग्री यंग मैन भी खुद काम कर रहे थे, तो वहां भी कोई फटा नहीं हुआ? मेरा उनके साथ काम कम ही था। आपका उनके साथ काम नहीं काम, था काम कम था, इसलिए आप नहीं करवाई। सर आपको कोई है फनून लतीफा का शौक वॉक? डॉक्टर साहब सियासत तो अपनी जगह है, मुझे आपने ये वाला जवाब नहीं देना कि हर वक्त सियासत में बिजी होते हैं। नहीं सियासत में नहीं, असल कम ही टाइम मिलता है। वैसे मैं एक जरूर है कि आपका शो मैं बड़ा कोशिश करता हूँ देखने की ना। उसको छोड़ें, आप ये बताएं इंग्लैंड गए हुए थे आप? हाँ जी हाँ जी। तो इंग्लैंड कैसा रहा? इंग्लैंड में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वहाँ पे मैंने मौला जट फिल्म देखी है। अरे वाह वाह। हाँ जी हाँ जी। अच्छा हाँ, तो मजा आया? हाँ जी बहुत मजा आया, मतलब स्टूडेंट लाइफ में किसी वक्त देखी थी तो अब इसमें ना काफी अच्छी लगी है। अभी ना सही बनी ये वाली, आपने तो पुरानी भी देखी हुई है। बस उसमें हमें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जरा मैचिंग नजर आ रही थी, मैच करती हुई ना। इस वाली में, नई वाली में? नई वाली में। इसमें कहाँ से? मतलब जो लड़ाइयां यहाँ चल रही है वही लड़ाई उसमें दिखाई जा रही थी। मैं तो चाह रहा था कि जरा थोड़ा सा वहाँ पे खुश करेंगे, लेकिन वो मार कुटाई से ज्यादा और कुछ नहीं था वहाँ पे ना। तो आपने कहा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स आपको नजर आ रही थी, तो आपको उसमें कौन लग रहा था मौला जट? पाकिस्तानी सियासत का मौला जट जो है ना, वो पूरे पाकिस्तान को पता है कौन है, कौन मेरे बताने की जरूरत ही नहीं है। तो बता तो दे सर। वो इमरान खान ही है जिसने गंडासा पकड़ा है। गुलजार चल न जाए कहीं, आ ठिकाने अकल न जाए कहीं, वो खड़ा हो गया कमा कस के, तीर उल्टा ही चल न जाए कहीं, जो तेरा जानिसार साथी है, पार्टी ही बदल न जाए कहीं, हाय हाय आ। वेलकम बैक जी। शैतानी जी आप इतने अकलमंद हैं, तो बस आपसे एक मशवरा लेना था कि मुझे ना काफी ज्यादा लड़कियां रिजेक्ट कर गई हैं, तकरीबन कोई 70-80 हजार लड़की ने रिजेक्ट कर दिया है। कोई ऐसा तरीका बताएं कि मुझे मुतासर कर सकूं, क्या करूं मैं? वो सब थोड़े दिन पहले आपके गेस्ट आए थे इमरान कुरैशी, उन्होंने वॉल चॉकिंग की बात की थी। ओहो, दीवारें लिखवाओ, दीवारें लिखवाओ। नहीं वो बाबा बंगाली और बंगाली कदमों में, मैंने वो भी लिखा बाबा बंगाली, मैंने लिखाया था अपनी दीवार पे, बंगाली मेरे को आके कहता तेरा नहीं बनता। लेकिन कोई तरीका कोई बताएं थोड़ा सा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ मेरी भी शादी हो। बस फिर दुआ ही करें आप। दुआ तो करेंगे, लेकिन वैसे कुछ इनको लुक्स में चेंजेस लानी चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं, अच्छे भले चंगे। नहीं आजकल जरा बियर्ड लुक चलती है, जरा बियर्ड ट्राई करें। नहीं नहीं लड़कियां तंग आ गई यार, कोई बियर्ड पता ही नहीं लग रहा है कौन सा वाला बियर्ड, देख के गलत के पास चली जाती है। बहुत आपने बड़े बड़े कामयाब ड्रामे किए हैं, तो फिल्म नहीं करते आप? मुझे जो सच बात है, आज तक कभी कोई ऑफर आई नहीं थी सही सी, वो एमी रैंडम तो आ जाती है जब पीछे पता करो कि तो नहीं, ये तो कोई जानते ही नहीं कौन, तो मैं कॉल कर। एक अभी है इन प्रोसेस, अभी देखते हैं, उन्होंने बोला तो है कि हम कर रहे हैं। अरे वाह। तो एक छोटा सा रोल है, इट्स अ बायोपिक, जिसके अंदर करना चाहिए आपको, लेकिन ये कि करेंगी वो एक्चुअली अच्छा एक होता है ना कि आपको क्या ऐसी ऑफर आई जो आप करना भी चाहें, आप हर तरह की फिल्म करना नहीं भी चाहते। सो अभी फिलहाल एक हमारे प्लेयर है उनकी बायोपिक बन रही है, तो उसके अंदर एक है फिलहाल, लेट्स सी इफ इट हैपेंस, अगर होगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आपने भी दानिया से फिल्म देखी जिसका जिक्र कर रहे हैं? मैं अभी तक नहीं देख पाई। क्यों? क्यों? क्योंकि उतरने का इंतजार कर रही हैं। नहीं वो शूटिंग वाले टाइम ही नहीं देते, इतनी शूटिंग करती है कि मतलब शूटिंग इतना माशाल्लाह काम। मेरी फैमिली ने भी देख लिया जाके। अच्छा, एंड दे ऑल लव इट। तो आपको 100 रुपए डॉक्टर साहब को देके स्टोरी सुन लो सारी। आपने कहा कि इमरान खान साहब मौला जट हैं, तो शहबाज शरीफ साहब माखा और नवाज शरीफ साहब नूरी नाते हैं। डॉक्टर साहब लंदन में थे तो आप मियां साहब को भी साथ ले जाते, ऑफर ही कर लेते। लंदन में आराम से बैठ के देख तो सकते, यहाँ पे अब आएंगे फिर एक पूरा प्रोटोकॉल सिक्योरिटी ब्ला ब्ला ब्ला, तो वहाँ पे आप अगर निकले ही थे तो इंसान 16 ही मार लेता। मैं लंदन भी गया था, मैं ग्लासगो गया था, मेरी दो बेटियां डॉक्टर हैं जी। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। और वहाँ पे उनके हस्बैंड वहीं ग्लासगो में होते हैं। ठीक ठीक। तो मैं उन वही बल्कि उन्हें ज्यादा शौक था जाने का, तो मतलब माशाल्लाह फैमिली के अंदर इतने डॉक्टर्स हैं। हाँ जी हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके तो घर बीमारी आते हुए डरती होगी, सर दर्द भी हो गया तो पता नहीं कौन कौन से ने मुझ पर क्या क्या हमला करना है। डॉक्टर बीमार होना बंद हो जाए फिर तो डॉक्टर दो दो साल जिंदा रहे, मतलब जाहिर है बीमारी तो हर एक के साथ। बल्कि जो फैमिली में मिलते ना आपस जफियां पा कहना, थोड़ी फीस वाला डॉक्टर आया, अच्छी फीस वाला डॉक्टर। सवाल है ये कि मियां साहब को फिर क्यों नहीं आपने बुलाया? मैं आपको बताता हूँ जी कि मियां साहब का ये तो मियां साहब को पता है कि उनकी बीमारी क्या है, और जो फ्रेंकली स्पीकिंग ही इज द लकीस्ट पर्सन कि जो ड्यूरिंग स्टंटिंग उनकी वैसल रप्चर हुई और
वहीं पे ऑन द स्पॉट उनकी कार्डिक सर्जरी हुई। उनका केस इतना आसान नहीं है कि जो मतलब हर जगह पे हो सके, इवन लाहौर कराची में भी, मतलब वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा केस है और मतलब अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। सब आप मुझे बताते हैं, आप इतने माशाल्लाह एक कॉम्प्रिहेंसिव नज़र रखते हैं और आई थिंक आप बड़ा एक यू नो डिटेल रिव्यू देते हैं ऑफ द पीपल बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशन एज वेल। सर मुझे बताएं, इमरान खान के दौर में कोई अच्छी चीज हुई थी? नॉट क्रिटिसाइजिंग, मुझे कोई अच्छाई नजर नहीं आई, कोई एक भी नहीं, मुझे कोई अच्छाई नजर नहीं आई। 3 साल में कोई अच्छाई नजर नहीं आया अच्छा लगा कोई चीज? सर एक इंसान बाय इलेक्शंस के अंदर बार बार आप लोगों को क्लीन स्वीप हराई जा रहा है, वो अभी भी पॉपुलर नहीं है? अब ये देखना चाहिए कि मुल्क सफर कर रहा है, बहुत बुरी तरह सफर कर रहा है। अगर आप और मैं इस प्रोग्राम में लड़ते रहेंगे तो प्रोग्राम तो नहीं चलेगा ना। तो बात यह है कि अब इन्हें चाहिए कि लड़ाई को ख़त्म करें और मुल्क का सोचें, मुल्क की बेहतरी का सोचें, मुल्क के हालात बेहतर करने का सोचें। वरना तो सच्ची बात है कि असल बात यह है कि हमें उस गरीब का पेन नहीं पता जो बेचारा रोज़ मतलब अच्छे अच्छे सफ़ेद कोश लोग जो हैं वो मांगने पर मजबूर हो गए। आपको याद हो या ना हो, माशाल्लाह इतने शोज़ करते हैं, मुझे मैं लास्ट टाइम आपके शो पर आई थी, आपने मुझसे सवाल किया था कि मेरा इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैंने आपको कहा था, बताया था कि मेरे हिसाब से आई थिंक ग्लोबली पॉलिटिक्स हैज बिकम अ डर्टी गेम। तब तो इट वाज इमरान खान्स दौर, यू नो, एंड दिस ऑल टेकन ओवर हैडंट हैपेंड, बट मैंने तब भी यही स्टेटमेंट कहा था ना, आई सेड उसमें उस वक्त हमारे साथ पीटीआई के पॉलिटिशियन थे, उन्होंने कहा था कि नहीं अच्छे लोग भी हैं, और मैंने यही कहा था कि यू नो एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ डर्टी गेम, अच्छे लोग ट्राई कर सकते हैं बट उस सब में द डर्टी गेम गोज ऑन और आवाम सफर कर रही होती है। बिल्कुल। अभी भी कितनी चीजें, अब एज एन आर्टिस्ट फनून लतीफा से समबडी हु इज फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, हम लोग भी सफर कर रहे हैं एज अ सिविलियन, व्हेन आई सी ऑल ऑफ दिस आई डोंट फाइंड इट ऑल राइट, ऑल ऑफ दिस डजंट मेक सेंस टू मी, ह्यूमैनिटी इज गॉन एंड इट्स अ वेरी सैड अफेयर। हमें मसाइल क्या है, आप कहीं चले जाएं, किसी फैमिली डिनर पे चले जाएं, कोई दोस्तों के साथ चले जाएं, मसला क्या चल रहा है, एक ही गुफ्तगु है आपके पास, नवाज शरीफ इमरान खान फलां साहब, नवाज शरीफ इमरान खान फलां साहब, ये आपकी गुफ्तगु है, इनके साथ क्या होगा, क्या होगा या नहीं होगा, क्या हुआ, उसने ये किया, उन्होंने किया, ये 5-6 लोग ही हैं, इनके बारे में बात होगी। प्रोग्रेसिव गुफ्तगु आपकी कोई नहीं है, नीचे सड़क के सतह से लेकर ऊपर के लेवल तक टोटल जो गुफ्तगु और कॉन्वर्सेशन का जो एक आप कहें दायरा है वो इन्हीं चीजों इवन द यंगर लॉट प्रोबब्ली द टीनेजर्स जो चीज में पढ़ते ही नहीं थे, अब तो वो भी थोड़ा बहुत इस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इतना आप कहें ना तो आपका पूरा वेदर से सोशल मीडिया, वेदर से मेनस्ट्रीम मीडिया, वेदर से सोशल कल्चर, उसके अंदर भी सिर्फ यही गुफ्तगु है। मैंने आपसे ये बात की है कि लोग मुल्क के बारे में कम सोचते हैं, लोग सिर्फ इस बारे में सोचते हैं कि हमें कुर्सी किस तरह मिलेगी। बिल्कुल, हमने यही कहती हूँ, अज्ञान के लिए कोई नहीं सोच रहा, मुल्क के लिए कोई नहीं सोच रहा। उसमें एक बात जरूर देखनी चाहिए कि वी शुड डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, कि कौन ज्यादा पॉजिटिव है, कौन बेहतर डिलीवर कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। नून लीग डिलीवर कर सकती है, पीटीआई के दोस्त बैठे होते हो, कहते पीटीआई कर सकती है। बात यह है कि हमारा पीरियड भी लोगों के सामने है, पिछले 4 साल भी लोगों के सामने है, कंपैरिजन मौजूद है। नहीं, कोरोना के बावजूद ही भाई आखिर में मार्च के अंदर जब ये लोग आए तो वो जीडीपी देख लेना किधर खड़ा हुआ था, जीडीपी तो पॉजिटिव आपको दे गया अगला बंदा, ये तो आप मानते हैं ना, ये भी नहीं जब हमने छोड़ा था जब जीडीपी कहाँ था, ये भी तो देखे ना। ठीक है, और खास तौर पे देखें एक चलती गाड़ी को आप ट्रैक से उतार देंगे तो फिर क्या होगा? इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं? नहीं, हमारी नहीं, पहले तो हमारी गाड़ी उतारी गई थी जब 16 में लॉन्ग मार्च शुरू हुए थे जी, जी, जी। और जब ये हमारी लेग पुलिंग शुरू हुई थी जी, जी, जी। वो क्यों हुई थी, मतलब अच्छा खासा काम चल रहा था, पीछे रह गए, तो बात बहुत नहीं नहीं, मगर वो ठीक है, उनका एक जस्टिफाइड क्लेम है कि वो जो जिस जमाने में आया था कि मुझे क्यों निकाला। हाँ जी, हाँ जी, वैसे मुझे उससे याद है निकाला किसने था, वो निकालने वाले भी आपको पता है? नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, जो आपको निकाला था वो गलत था, तो अगर कहीं 2-1 साल बाद उन्होंने खान साहब के निकालने को भी कह दिया कि गलत हो गया, तो अभी तो जस्टिफाइड है ना, बाद में देखेंगे सही गलत होता है। मैंने कहा भाई तुम जब वहां जाओगे तो इमरान खान साहब से मेरी बात नहीं हो सकी,
तुम जाके मेरी तीमारदारी करा देना। मैं क्या सर, मैं स्पीकर खोल देना, आप अभी तीमारदारी कर लें। ठीक है। ते कहते ने खान साहब बड़ा अफसोस हुआ। हाँ। लेकिन खुशी इस बात की है भाई, आपने बड़ी हिम्मत की। हाँ। आप फाइनल तक तो पहुंच ही गए। हाँ। थे अगर आप शहीन शाह की बजाय मुराद अली शाह साहब को ले जाते तो वो 5 गेंद भी करवा देता। तो मैं कह सर आप शादाब खान से बात नहीं कर रहे, आप खान साहब से बात कर रहे हैं। कहने मैं तो बड़ा फैन हूं इनका। अच्छा यार, इतना जबरदस्त फनकार है ये, इसने नूरी नाथ को जो घटासा मारा है उसकी टाइमिंग बड़ी अच्छी थी। मैंने सैनमेंट में बैठ के फवाद खान की फिल्म देखी है। तो मैं कह सर ये फवाद खान नहीं है, ये दूसरे खान साहब है, इमरान खान साहब। तो कहने इनसे क्या बात करनी है। तो मैं कह सर अफसोस करना है। अच्छा किस बात पे। मैं कह सर वो कंटेनर वाला जो वाकया हुआ है। कहने नहीं इसकी अपनी गलती है। भाई क्यों नहीं लाइफ जैकेट पहनी इसने, लाइफ जैकेट पहननी चाहिए, मैं तो घर में भी पहन के रखता हूँ। तो मैं कह सर वो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है। हाँ। और आप जो घर में पहनते हैं वो लेदर जैकेट होती है। हाँ। मैं इससे बात क्यों कर रहा हूँ। मैं कह सर अभी आपने तो कहा है कि तीमारदारी करनी है। कहने हाँ मेरी बात कराओ। मैं कह सुन रहे हैं। कहने यार वो लेडी डियाना का बड़ा अफसोस हुआ, वो फौत हो गई। सर वो हसनात खान साहब थे, ये इमरान खान साहब हैं। तो कहने मेरी इससे क्यों बात करा रहे हो, ये तो मुखालफ पार्टी का बंदा है। फोन बंद कर दिया ने खान साहब ने, मेरा भी फोन बंद कर दिया। अच्छा। मैंने कहने निर्गोली जे मेरी लत के उत्ते पट्टी ना हुई होंगी। हाँ। लत में घुमा के। मैं क्या सर मैं समझ गया, कोई ऐसी गल नहीं। मैं क्या हो जाता सर, बुजुर्ग है गए ने। हाँ। नाले सीनियर सियासतदान ने। हाँ। देखो ना किन्नी एम्बैरेसमेंट में हुई होगी। बिल्कुल की एम्बैरेसमेंट की मतलब शर्मिंदगी। हाँ, बड़ी मैंने शर्मिंदगी हुई क्योंकि सारे इर्द गिर्द लोग सन। आई कैन इमेजिन। हाँ मैं फिर उतो निकलिया। मैं थोड़ा रिलैक्स करा शो च जावा की मामला चल रहा है। बात कर रहा हूँ बड़े अच्छे मेहमान। लियाकत बलोच साहब नहीं है कमाल सियासतदान। वो नहीं है, गौर से देखो। वो ही मैं कह रहा हूँ भी अपना लियाकत सोल्जर साहब तो हो ही नहीं सकता। अपना लियाकत अली खान साहब। यस सरगोदा। यस MBBS जो करते सन अपना अलामा इकबाल दे विच। मैं उदो ही मना किया। मैं क्या ना करो क्योंकि तुसी सियासतदान बनना है, LLB करो। अच्छा लेकिन की डॉक्टरी। अच्छा फिर तहसील नाजम हुए। कौन नाल सी, कौन नाल सी? हर गल मैं दसा। भाई जाहिर है उतों दे लोग नाल सन। इसलिए माशाल्लाह MPA फर्स्ट टाइम। यस सेकंड टाइम भी बनेंगे। अच्छा थर्ड टाइम भी बनेंगे। जे इलेक्शन होए ते होंगे या माशाल्लाह होंगे सर इलेक्शन। इस बार माशाल्लाह MNA दी तैयारी है सर, तुसी बनोगे MNA। मैनूं पता जिस तरह तुसी खिदमत कर रहे हो ना लोगों की। कल्ले ही आए ने जी? अकेले आए हैं, साथ हमारे दूसरी मेहमान आई हुई हैं। ओह नो फालतू लड़की नहीं। फालतू लड़की है बिल्कुल, ड्रामा बिल्कुल। इनका। सर बिल्कुल, मैं देखे ड्रामा ऐसा टापो टाप ड्रामा। उस ड्रामे दे विच तुसी नाना हुंदे वो ड्रामा ही नहीं सी होना। सर ऐसा आउटस्टैंडिंग करैक्टर कीता, मैनूं लग गया पता भी ए खातून ऑस्कर अवार्ड ले। ऑस्कर अवार्ड ही सीधा। हां जी इत्थे हुंदा है नहीं हो सकदा कोई नखी हो गया पता ना। यार स्क्रीन कमाल है इस मां। चल सर जी एक फ्रेश फोटो दे दियो क्योंकि नैब वाले की कल भी कॉल आई है। फिर मैं सर तशरीफ रखो वो फिर मैं तुहानू कोले शोले उत्ते पहुंचावांगा। सर जी अगे आ माशाल्लाह मेहनत मेरे तो भी प्यारे ने यार। लेकिन जो भी है नरगोली मैं तेरा दीवाना यार, तेरी दलेरी का दीवाना। बड़े लोग मैं कह दे रात 3 बजे वर्दी पाके तो रो रहा। मैं की होया ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਚਾਰਜਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ ਆਵਾਮ ਕਾ ਸਵਾਲ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁਲ ਰਫੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆਪ ਸੇ ਹੈ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋ ਇਕਤਦਾਰ ਮੇਂ ਆਏ ਹੋਏ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਆਪ ਕਿਆ ਸਮਝਤੇ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਮੁਲਕ ਕੋ तरक्की याफ्ता होने में और कितने साल लगेंगे? मैं आपको बेटे एक बात बताऊं, सबसे पहले तो ये है कि जो अभी डिस्कशन हो रही है उसका रिजल्ट भी मेरे पास यही है कि किसी को भी पूरे तरीके से नहीं चलने दिया गया, नंबर वन। नंबर टू ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने 35 ईयर्स में बेतहाशा काम किए हैं। उसमें सबसे पहले बात यह है कि एटमी
कुव्वत पाकिस्तान को बनाने वाले हमारी गवर्नमेंट, मोटरवेज का जाल बिछाने वाली हमारी गवर्नमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो फॉर्म टू मार्केट रोड्स हैं वो हमने बनाई, बिजली की लोड शेडिंग हमने ख़त्म की, और मतलब सच्ची जो बात है कि लाहौर को मतलब आपके सामने कितना अपलिफ्ट किया, बहुत खूबसूरत एक मैं बात बताऊँ जी जी, अब हमारी पार्टी का पूरा फोकस था कराची पे। अच्छा हाँ बिल्कुल था, मतलब अच्छा। जब हमसे छीन लिया गया सब कुछ ना, पूरा फोकस था कराची पे, और इसी तरह की वहाँ पे बल्कि बस सर्विस शुरू करने लगे थे और बहुत कुछ करना चाहते थे, ठीक है, लेकिन बस अनलकी। आप वैसे कराची जाते रहते हैं? हाँ, मैं एक दो बार गया हूँ जी कराची। लास्ट टाइम कब गए थे? 7-8 साल पहले। 7-8 साल हो चुके हुए हैं। हाँ जी, तो आपको कैसी लगी थी वहाँ पे हालात? बहुत बुरे हालात, बहुत बुरे हालात थे। हाँ जी, तो वो सही करने के लिए कुछ करना चाहिए ना? वहाँ सही करने के लिए शहबाज शरीफ चाहिए। वहाँ सही करने के लिए शहबाज शरीफ चाहिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेहर है और मेरा सवाल दानिया मैम से है। मैम, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी ड्रामास में औरतों की सफरिंग और उनकी बेचारगी को बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज किया जाता है, और हमें स्ट्रॉन्ग और एम्बिशियस फीमेल लीड्स नहीं चाहिए ताकि हमारी यंग जनरेशन पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सके? आई थिंक आपको खुद भी इसका जवाब पता है कि हम सब यही चाहते हैं, तो आई थिंक स्लो स्लो वो वी आर ट्रेनिंग देम टू वॉच दैट। बट अभी मेरे लिए भी ये होता है वेयर आई एम चूजिंग माई स्क्रिप्ट, तो मैं ये चाहती हूँ, मैंने बीच में ब्रेक भी लिया था क्योंकि मैं वो रोने धोने वाले मार खाने वाले मैं थक गई थी, आई वाज लाइक मैं क्या कर रही हूँ। सो नाउ आई टेक अ चांस, और अब मेरे पास ऐसे स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं जहाँ पे आई रीड कैरेक्टर्स ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव फैमिली वुमन। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईज़ा है। मेरा सवाल सर आपसे है कि आप जिस मकसद से पॉलिटिक्स में आए थे, क्या आपने वो मकसद अचीव कर लिया? देखिए, सीधी सी बात है, बंदा सारी ज़िंदगी सीखता रहता है और सारी ज़िंदगी कोशिश करता रहता है और आखिर मतलब दुनिया से चला जाता है। अचीव तो मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं अपने शहर के लिए बहुत कुछ करूं, और ख़ास तौर पे जब अब मुझे अल्लाह ताला ने एमपीए बनाया था, तो मुझे अगर मौका मिल जाता तो मैंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करनी थी, लेकिन वो मतलब ऑल इन वेन, मतलब नहीं, अनलकीली हमारी गवर्नमेंट नहीं थी। जो आपका सवाल है उसका जवाब तो यही है कि अभी नॉट अचीव्ड एज येट, अभी नहीं हुआ। जब नून लीग की गवर्नमेंट आएगी तब होगा, तब होगा, तब हम वो जो अभी इस वक्त मांग रहे हैं हम सारे से, तब वो अरबों के फंड हम लगाएंगे फिर। हाँ जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, आई एम साद, माय क्वेश्चन इज़ फॉर मिस दानिया। एज वी नो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज आर फुल ऑफ कंपटीशन नाउडेज, व्हाट कैन वन डू टू स्टैंड आउट? आई थिंक डिफरेंट वेज होते हैं ना, और एक इंसान अपना एक को देखता है, वेयर डू दे वांट टू स्टार्ट फ्रॉम एंड वेयर डू दे वांट टू गो। तो मेरा कोई एम नहीं है, आई नो दैट आई एम एवरेजली गुड विद माई एक्टिंग, सो मैं इसी को, जो मेरे पास मौके आ रहे हैं उसको सबसे बेस्ट यूटिलाइज करूं। सो इट्स अ कॉम्पिटिशन विद माई सेल्फ फर्स्ट, एंड आई थिंक व्हेन आई डू दैट राइट, लेट्स सी वेयर इट गोज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान है और मेरा क्वेश्चन मैम दानिया से है कि आपने बहुत से ड्रामाज में बहुत सारे करेक्टर्स प्ले किए हैं, तो कौन सा ऐसा करेक्टर है कि जिससे आपने भी बहुत कुछ लर्न किया हो और जो आपको याद रहा हो? बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज रियल लाइफ में तो आप बड़े सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं, ड्रामों में तो बड़े ही इमोशनल डिसीजंस होते हैं, तो उससे मैंने ये सीखा है इमोशनल डिसीजन नहीं लेने होते, सोच समझ के लेने होते हैं। क्या बात, बहुत। दोस्तों, हमारा एक सेगमेंट है 2020 का, जिसके अंदर मैं आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपको उन ऑप्शंस में से अपना जवाब चूज करना है। बताएंगे, कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? बता दें, मुझे बता देंगे। चलें जी, आपको बताएं। हाँ। डॉक्टर साहब, ये बता दीजिए, किसी एक की बायोग्राफी आपने लाजमी पढ़नी है, किसकी होगी इनमें से? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कायम अली शाह और जनाब मुराद अली शाह। दोनों में से जिसकी भी पढ़ने फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आप बताएंगे। चले, मुराद अली शाह की पढ़ना। मुराद अली शाह की पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। सर, ये बताएं, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रहे हैं, आपके फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात और माहिरा खान। माहिरा खान मेरी बिरादरी है, खान है, मैं उसको ही करूंगा, किसी को क्यों करूं? अच्छा। इमरान खान भी बिरादरी है। सर, ये बता दीजिए, लंदन आप एक दिन बच्चे कहीं बिजी हुए हुए हैं, आपने अब एक वो बिग बस का टूर ले लिया है और पूरे दिन सुबह 9 बजे से लेकर रात ना 6-7 बजे तक उन्होंने आपको लंदन घुमाना है, किसको अपना हम सफर बनाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा शीरी मजारी और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। फिरदौस आशिक अवान से तो वैसे ही मुझे डर लगता है, तो शीरी मजारी ठीक है। शीरी मजारी साहब, ठीक है। सर, ये बताएं, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ तस्वीर खिंचाएंगे, एक को मुस्कुरा के देखेंगे और एक को कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं
वो हैं राना मशहूद, जनाब मुश्तबा शुजाउ रहमान और जनाब सलमान रफीक। तस्वीर किस तरह के चाहेंगे? सलमान रफीक के साथ। मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? राना मशहूद। और किसका फ्लोर आ गया है? जो रह गया तीसरा उसका। मुश्तबा शुजाउ रहमान का फ्लोर आ चुका हुआ है। सर ये बताएं, टाइटैनिक आपने देखी हुई है? नहीं। फिल्म टाइटैनिक नहीं देखी हुई? नहीं। सुनी हुई? देखी ही नहीं। सुना तो हुई, सुनी हुई है, सुनी हुई है ना। हाँ जी। सर सोचे कि टाइटैनिक पे जा रहे हैं, दो वीआईपी पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फयाजुल हसन चौहान और दानिया। ज़ाहिर है फयाजुल हसन चौहान तो वैसे पीटीआई का है जी, और शी इज जस्ट लाइक माई डॉटर, इसे ले जाऊंगा साथ। ठीक है जी, स्पेस शटल में बैठ के आप चांद पे जा रहे हैं, दो सीटें हैं, एक अपनी है, दूसरी पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप चांद पे ही छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक, किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बिलावल भुट्टो और जनाब मौलाना फजलुर रहमान। मैं बिलावल को छोड़ाऊंगा। बिलावल को छोड़ती है, ठीक है। सर डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी और राणा सनाउल्ला। राणा सनाउल्ला जी। राणा सनाउल्ला, शाहिद खाकान अब्बासी को नहीं मिली है लाइफ जैकेट जी। दानिया, आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए, इनमें से किन को करना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अहमद भट्ट और जनाब यासर हुसैन। यासर हुसैन उन्होंने कहा कि वो होंगे जो बोरियत खत्म कर सकते हैं, ठीक है। ये बताइए, आप भी लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, तीन लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहने के फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास हैं उष्णा शाह, अनुशे अब्बासी और माहिरा खान। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी माहिरा के साथ, स्माइल तो उष्णा, अनुशे का फ्लोर आ चुका हुआ है, ठीक है। चांद पे आप भी जा रही हैं, किसी को लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक, तो किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस हैं शहजाद शेख और एहसन खान। तो मुश्किल है, मैं सोच रही हूं एहसन के पास ब्रिटिश भी, पाकिस्तानी भी और चांद भी। हाँ। तो फिर मैं एहसन खान ही है जो ही कैन लिव हियर देयर एवरीवेयर, ठीक है। टाइटैनिक पर जा रही हैं, वीआईपी पास, किसको साथ लेके जाना चाहेंगी टाइटैनिक के ऊपर आप? ऑप्शंस आपके पास हैं मौलाना फजलुर रहमान और शेख रशीद अहमद। अपना भी पास उन दोनों को दे दो। नहीं, अपना नहीं आपने देना, इतनी आप लकी नहीं है। फिर जब जा ही रहे तो शेख रशीद को ले जाएंगे, शेख रशीद को लेके जाएंगे टाइटैनिक के ऊपर, सफर अच्छा गुजर जाएगा। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फिरोज खान और इमरान अशरफ। इमरान अशरफ, इमरान अशरफ को दे दी है लाइफ जैकेट। डॉक्टर लियाकत अली खान साहब, थैंक यू सो मच। दानी अनवर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।